YouTube चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। दोस्तों आज हम देखेंगे परीक्षा अध्ययन 2024 क्लास फिफ्थ मैथमेटिक्स का जो है चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज। इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने जो कि प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा इसके अंदर टू सेट्स ऑफ द सॉल्व प्रैक्टिस सेट ये मैंने करा दिया है और एनुअल ऑब्लिक बोर्ड क्वेश्चन पेपर भी हमने करा दिया है और चैप्टर नंबर 8 तक पूरी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है। यदि आपको चैप्टर की भी डिटेल चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में आप भेज सकते हैं, मैं उसकी भी डिटेल बना के आपको जो है इजी वे में समझा दूंगा। चलिए आज देखते हैं हम चैप्टर नंबर 9। चलिए चैप्टर नंबर 9 के अंदर चलिए इसके अंदर देखते हैं। चलिए बॉक्स एंड स्केचेस चैप्टर नंबर 9 है, इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग एंड राइट इन योर बुक्स। चलिए यहाँ पे हम समझते जाएंगे इसको। पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी फेसेस ऑब्लिक सरफेस आर देयर इन वन क्यूब। कितने फेसेस होते हैं देयर इन वन क्यूब के अंदर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1। यदि मान लीजिए थोड़ा शेप में गड़बड़ हो सकता है, यदि मान लीजिए क्यूब है, क्यूब में क्या होता है ऑल साइड्स किसी होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं, तो इस चीज का आपको जो है ध्यान देना है। अब इसके अंदर क्या है तो ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं। अब इसमें हाउ मेनी फेसेस आप सरफेस आर देयर इन वन क्यूब, तो फेसेस का देखिए कितने फेस होते हैं इसमें, 6 फेसेस। फेस कौन से कहलाते हैं, देखिए ये एक फेस हो गया, ये दो फेस हो गया, ये तीन फेस हो गया, ये चार फेस हो गया और पीछे वाला 5 और नीचे एक 6 फेस। ठीक है, 1 इसके बाद 1 ऊपर, ये नीचे वाला 2 और 3 और 4 और इसके बाद ये आमने सामने की। तो जैसे यदि हम मान लीजिए माचिस का एग्जांपल लेते हैं या मैं कोई बुक का इसका एग्जांपल लेता हूँ, देखिए दिखाता हूँ। तो एक ये फेस हो गया, एक इसके नीचे वाला फेस हो गया, एक इधर वाला फेस हो गया, एक ये फेस हो गया, आमने सामने का 4 हो गए और ये इधर का ये 5 और ये 6। तो इस तरह से ये जो है 6 फेसेस इसके अंदर होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ दिस शेप कैन बी फेस फेस अ क्यूबॉइड, विच ऑफ दिस शेप, तो इसमें किसका शेप क्यूबॉइड की तरह लगता है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्यूबॉइड में क्या होता है कि क्यूबॉइड एक रेक्टेंगल की तरह आपको लगेगा और जो क्यूब होता है वो एक स्क्वायर की तरह लगता है। तो इसमें देखिए क्यूबॉइड की तरह शेप किसका है, इसका इस रेक्टेंगल का होगा, तो सी ऑप्शन इसका जो है करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखिए हाउ मेनी एज आर देयर इन क्यूबॉइड। अब यदि मान लीजिए कोई क्यूबॉइड है, यदि मान लीजिए क्यूबॉइड है CUBOID क्यूबॉइड के अंदर, तो कितने एज होते हैं, तो आपको याद रखना है इसके अंदर 12 एज होते हैं। अब एज किसको बोलते हैं, ये वाली सिंगल साइड, 1 एज, 2 एज, 3 एज, 4 एज, तो इस तरह से जो है 5 एज, 6 एज, 7 एज, इस तरह से पूरी गिनेंगे तो आप 12 एज होती हैं। तो आपको ये याद रखना है कि क्यूबॉइड के अंदर जो है 12 एजेस होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखिए बोल रहा है इफ अ डाइस इज मेड बाय द फोल्डिंग द प्लेन ऑफ द गिवन डाइस, ये इस तरह का डाइस जिसे दिया हुआ है इसको बोल रहा फोल्ड करना है, अपीयर्स ऑन द अपर सरफेस देन व्हाट विल बी अपर इमीडिएटली बिलो इट, तो इसके जस्ट बिलो में क्या आएगा, तो सिर्फ एक डॉटेड लाइन आएगी, तो आपको जो है इसका बी ऑप्शन 4 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में आउट ऑफ द गिवेन नेट्स द नेट ऑफ द क्यूब, क्यूब का नेट आपको ध्यान रखना है, इस तरह का नेट बनता है तभी ये क्यूब बन सकता है, 1 2 3, 1 2 3, तो इस तरह से जो है क्यूब का, तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर 5 का जो है डी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर देखिए
कि विच ऑफ द गिवन पिक्चर कैन बी पिक्चर ऑफ द डाइस, डाइस की पिक्चर कैसी हो सकती है। डाइस किसको बोलते हैं, जो अपन डाइस खेलने वाला होता है, एक क्यूब क्यूब शेप का होता है, तो इस तरह तो होता नहीं डाइस, इस तरह होता भी नहीं है, इस तरह भी नहीं होता है, इस तरह का आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। तो सिक्स का जो है सी, तो इसका आप शेप पहचान लीजिए, डाइस इस तरह का होता है। फिर नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन में द नेम ऑफ द सेम फॉर्म बाय द गिवन द नेट। तो इस तरह का जो शेप होता है, जब दोनों किनारे में ऐसे सर्कल बना हुआ हो, तो एक जो है सिलेंडर की तरह शेप दिख रहा है, क्योंकि सिलेंडर का शेप जो होता है, देखिए इस तरह से ऐसा शेप बनता है। तो इसमें ये देखिए दो रिंग इस तरह की हैं, और एक जो है ये इस तरह का एक रेक्टेंगल सा आपको ये लग रहा है, इसीलिए इसका जो है सिलेंडर ना जो है इसका आंसर करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन दी ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स के अंदर देखिए क्यूब एंड क्यूबाइड बॉक्सेस आर ऑफ डैश टाइप। तो जो क्यूब और क्यूबाइड होते हैं वो कैसे होते हैं, ये 3D शेप होते हैं। कैसे शेप होते हैं, 3D शेप। तो 3D को हम बोलते हैं थ्री डायमेंशनल, तो स्पेलिंग आपको याद रखना है THREE, थ्री, और डायमेंशनल DIMENSIONAL। तो डायमेंशनल याद रखना है, थ्री डायमेंशनल होते हैं, क्यूब और क्यूबाइड थ्री डायमेंशनल होते हैं। देयर आर डैश साइड इन द स्क्वायर। स्क्वायर के अंदर क्वेश्चन नंबर टू में देखिए, जैसे ये स्क्वायर है, स्क्वायर में कितनी साइड होती हैं, फोर। मैं बताता हूँ किस तरह से फोर होती हैं, 1, 2, 3 और ये 4। और स्क्वायर के अंदर सभी साइड्स इक्वल होती हैं, यदि 4 सेंटीमीटर हैं तो ये सभी जो है 4 सेंटीमीटर की ही होंगी, तो ये बाय डिफॉल्ट आपको समझना चाहिए। क्वेश्चन नंबर थ्री, देयर आर डैश फेसेज इन अ क्यूबाइड। मैं इस पहले भी ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, तो क्यूबाइड के अंदर कितने फेसेज होते हैं, क्यूब और क्यूबाइड दोनों के अंदर, ये क्यूब आ जाए चाहे क्यूबाइड आ जाए, दोनों में 6 फेसेज होंगे। उसके बाद देयर आर डैश साइड इन अ सर्कल, सर्कल में कितनी साइड होती हैं। क्वेश्चन नंबर फोर के अंदर देखिए, इस सर्कल के अंदर कोई भी साइड नहीं होती है, तो आपको लिखना है 0/9, ZERO 0 लिख देना है। द शेप ऑफ द मैच बॉक्स, मैच बॉक्स का शेप हमेशा क्यूबाइडल होता है। कैसा शेप होता है, क्यूबाइडल, ठीक है। तो क्यूबाइडल की स्पेलिंग क्या होगी, CUBOIDAL। तो याद रखना है थ्री डायमेंशनल की स्पेलिंग 4, 6, 0 और क्यूबाइडल CUBOIDAL। तो आई होप ये पूरा चैप्टर आपको जो है समझ में आ जाए, आ गया होगा इसकी एक्सरसाइज। यदि इसके डिटेल में इसके चैप्टर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में आप भेज सकते हैं, मैं उसकी डिटेल भी बना दूंगा। और सेट मैंने पूरे बनाए हुए हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको जो है 2 से 3 बार आप वीडियो देखेंगे तो ये समझ में आपको आ जाएगा। आई होप इसको मैं इजी वे में आपको समझाने की कोशिश किया हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शॉर्ट वीडियो है, थोड़े थोड़े समय के लिए इसी तरह से जो है इसे पिछले वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है। और यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल का नाम देखिए आर्य एंड आदित्य क्लासेस। यदि आपको अच्छा लगता है इसको लाइक और सब्सक्राइब करना है, और यदि किसी तरह की इसमें मेरे से गलती हुई तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना भी है अच्छा लगा या नहीं लगा। उसके बाद मैथ के मैंने 3 सेट ऑलरेडी जो है इसके बनाए हुए हैं, और इंग्लिश का भी जो है बोर्ड का, और एक इसके जो है बाकी सेट भी मैंने इसमें डाल के रखा है। आई थिंक आपको अच्छे मार्क्स पाने के लिए मैंने सफिशियंट जो है बनाया हुआ है। यदि किसी और का भी आपको जो है वीडियो इस तरह चाहिए होगा तो आप इसको कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस।